क्रिकेट की दुनिया के ऐसे खिलाड़ी जिसने अय्याशी की सारी हदें पार कर दी। अपनी प्यास बुझाने के लिए इन क्रिकेटर्स ने कच्ची कलियों को भी नहीं छोड़ा। पहले नंबर पर जिस खिलाड़ी का नाम है, उसने तो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ कई रात गुजारी और उसे अपने बीवी की तरह इस्तेमाल कर छोड़ दिया। तो चलिए जानते हैं इन क्रिकेटर्स के बारे में और भी बहुत कुछ। नंबर वन क्रिस गेल, वेस्ट इंडीज के इस खिलाड़ी के छक्के की तो पूरी दुनिया दीवानी रही है, लेकिन क्रिस गेल का जो दिल धड़कता था वो गोरी चिटी लड़कियों पर धड़कता था। क्रिस गेल को शराब और लड़कियों का बहुत ज्यादा शौक है। आज भी वो इन दोनों का इस्तेमाल बहुत ज्यादा करते हैं, लेकिन अपने जवानी के दिनों में क्रिस गेल ने अच्छी अच्छी लड़कियों का पूरी रात शिकार किया है। कहा जाता है कि जब भी क्रिस गेल किसी पार्टी में जाते थे तो वो सबसे पहले खूबसूरत लड़की को देखते थे और उसके बाद उसके साथ रंगीन मिजाज हुआ करते थे। बताया जाता है कि क्रिस गेल ने अब तक करीब 30 से ज्यादा लड़कियों के साथ संबंध बनाए हैं। नंबर टू श्रेयस अय्यर, भारत के खिलाड़ी अय्यर अभी शादीशुदा नहीं है और हमेशा गर्लफ्रेंड की तलाश करते रहते हैं। नई नई लड़कियों को अपना दोस्त बनाते हैं और उनके साथ रंग रलिया मनाना उनको अच्छा लगता है। बीच में तो अय्यर का नाम युजवेंद्र चहल की पत्नी के साथ भी जोड़ दिया गया था, लेकिन सच्चाई क्या कुछ रही किसी को कुछ नहीं समझ में आया। अय्यर के दोस्त बताते हैं कि कॉलेज टाइम से ही उन्हें लड़कियों के साथ रहना बहुत अच्छा लगता था और उन्होंने कई सारी गर्लफ्रेंड बनाई और छोड़ दी, और आज भी वो मौज करने के लिए लड़कियों का इस्तेमाल करते हैं। नंबर थ्री आंद्रे रसेल, आईपीएल में रसेल की बल्लेबाजी को हर कोई खूब पसंद करता है। लंबे लंबे छक्के लगाना उनकी ताकत है, लेकिन आपको बता दें कि क्रिकेट के मैदान में जितनी तेजी से वो छक्के लगाते हैं उतनी ही तेजी से उन्हें कभी लड़कियों का शौक हुआ करता था और पार्टियों में लड़कियों के साथ खूब दिखाई पड़ते थे। उनके बारे में तो चर्चा ये है कि ये एक साथ तीन तीन लड़कियों के साथ भी रंग रलियां मना चुके हैं। मौजूदा समय में उनकी शादी हो चुकी है, लेकिन कुछ लोग तो यहाँ तक बताते हैं कि शादी के बावजूद आज भी रसल नई नई लड़कियों के साथ उठना बैठना पसंद करते हैं और अपनी दमदार परफॉर्मेंस से उन्हें खुश कर देते हैं। मतलब रसल को लड़कियों का साथ इस उम्र में भी खूब भाता है। नंबर फोर मुरली विजय, उन्होंने तो दिनेश कार्तिक का बसा बसाया घर ही तोड़ दिया और दिनेश कार्तिक की पत्नी के साथ कई बार संबंध बनाए। दिनेश कार्तिक मुरली विजय को अपना अच्छा दोस्त मानते थे, इसलिए उसे घर में आने की इजाजत थी, लेकिन जिस तरह मुरली विजय ने उनकी पत्नी निकिता बंजारा के साथ दिनेश कार्तिक के पीठ पीछे घुल खिलाए वो वाकई में बहुत ही शॉकिंग था। वो बताता है कि मुरली विजय कितने अय्याश मिजाज खिलाड़ी रहे हैं। बताया जाता है कि दिनेश कार्तिक को अपनी पत्नी के बेवफाई के बारे में तब पता चला जब वो प्रेग्नेंट थी, लेकिन वो बच्चा दिनेश कार्तिक का नहीं था, जिसके बाद दिनेश कार्तिक को पता चला कि मुरली विजय ने उनकी पत्नी के साथ रंग रलियां मनाई है और उनकी पत्नी किसी और के बच्चे की मां बनने वाली है। कहा जाता है कि जब सच्चाई सामने आई तो दिनेश कार्तिक ने उनसे तलाक लेने का फैसला किया और बाद में निकिता बंजारा ने मुरली विजय से शादी कर ली। नंबर फाइव पर वेस्ट इंडीज के पूर्व तेज गेंदबाज टीनो बेस्ट आते हैं। इनके बारे में अय्याशियों के कई किस्से खूब चर्चा में रहते हैं, क्योंकि उन्होंने खुद कहा है कि उसने 650 से ज्यादा लड़कियों के साथ संबंध बनाए और पूरी रात मौज की। कहा जाता है कि जिस लड़की को ये देख लेते थे उसको अपने पास जरूर एक बार बुलाते थे और उसके बदले में उसे मोटा पैसा भी देते थे। इनकी रंगीन कहानियों की चर्चा हर कोई करता है। यह वाकई में हैरान करने वाली बात है कि कोई भी आदमी ने 650 से ज्यादा लड़कियों के साथ संबंध बनाए हो और उनके साथ रातें भी गुजारी हो।